प्रणाम सूर्यदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र हनुमान। अब हम पुनः किसी और निमित्त से मिलेंगे और अभी शीघ्र जाकर अन्य ग्रहों को भी रावण के बंधन से मुक्त कराओ। 9 ग्रहों में से कितने ग्रह मुक्त हुए? चंद्र, सूर्य, राहु, केतु। अब कहाँ जाऊं? पुत्र तुम शीघ्र ही बुध ग्रह की ओर प्रस्थान करो। सबसे समीप वही पड़ेंगे। जैसी आपकी आज्ञा सूर्य देव। तुम्हारा मंगल हो। प्रणाम। नहीं! वो वानर बालक मेरे भाई कुंभकर्ण की ये दुर्दशा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वानर बालक। अब तेरा वध करने के लिए स्वयं दशानन रावण आएगा। तुझे ये ज्ञात नहीं कि अंतरिक्ष में मेरी शक्ति का बल अधिक हो जाता है। अब तेरा अंत करने के पश्चात ही मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं आ रहा हूं वानर। दशानन मेरा अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही चला गया। आरंभ ही अब शकुन से कर रहा है वो। रुक जाओ दशानन। क्यों माते, क्यों रोका है आपने हमें? इसलिए दशानन, क्योंकि ये समय युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। वो सिर उठा रहा है माते, बार बार अपना सिर उठा रहा है। मैं इसी समय उसका अंत कर सकता हूँ। दशानंद, यदि अंधेरे में तीर चलाओगे तो विफलता ही हाथ लगेगी। अभी ग्रह दशा अनुकूल नहीं है। प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, किंतु कब तक प्रतीक्षा करूं माते? चंद्र की दशा बता रही है यदि पूर्णिमा तक अन्य ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो महाप्रलय निश्चित है। उस समय तुम उस पर आक्रमण करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी पुत्र। बस पूर्णिमा तक तुम्हें किसी भी प्रकार उस वानर बालक को उलझाए रखना है, जिससे कि वो बालक पूर्णिमा तक किसी ग्रह की स्थिति न सुधार पाए। मेरे मायावी दूतों, प्रकट हो। तुम्हारे सम्राट लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रकट हो। जय लंकेश। तुम सब शीघ्र ही अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों के पास जाओ। महान नियुक्त हमारे रक्षवीरों को संदेश दो कि वो वानर बालक जहां भी पहुंचे वो उसे वहीं उलझा कर रखे। पूर्णिमा से पहले वो कहीं और नहीं पहुंचना चाहिए। जो आज्ञा लंकेश। जो जय लंकेश। प्रणाम बुद्धदेव। प्रणाम हनुमान जी। बुद्धदेव, आसपास इतना विचित्र सा क्यों लग रहा है? हनुमान, क्या आपको स्मरण है जब एक बार आप सूर्यदेव को निगलने जा रहे थे तभी आप मुझसे टकरा गए थे और मैं अपने स्थान से पूरी तरह से हिल गया था। ये कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुद्धलोक की ओर चला आ रहा है? मुझ बुद्ध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। व
वो तो भूल से हो गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुम आ गए हनुमान, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मैं जानता था कि तुम्हारा मुझसे सामना अवश्य होगा। अच्छा है ना, आपकी आशा पूर्ण हो गई। तुम्हें ब्रह्मांड में विचरण करने में रुचि है ना? मैं मयाक्ष तुम्हें खड़े खड़े पूरी सृष्टि दिखा सकता हूँ। आपके नेत्रों को क्या हुआ? आपके नेत्र हैं भी या नहीं? मैंने इन्हीं नेत्रों में सारा संसार बसा रखा है हनुमान। मैं तुम्हें यहीं से शिवजी के धाम कैलाश के दर्शन करा सकता हूँ। ब्रह्मा जी के धाम ब्रह्मलोक के दर्शन करवाता हूँ। हनुमान, ये मयाक्ष बड़ा ही मायावी है, इसकी नेत्रों में मत देखना। दिखाई दिया तुम्हें? हाँ, मुझे है ना कैलाश पर्वत दिखाई दिया और ब्रह्मा जी के दर्शन भी हो गए। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? उसकी नेत्रों में मत झांको, वो आपको सम्मोहित करने के लिए ऐसा कह रहा है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा बुद्धदेव। बुद्धदेव तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बात तुम मत सुनो, तुम मेरी सुनो हनुमान। तुम्हें अपनी माँ के दर्शन करने हैं तो बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दर्शन भी करवा सकता हूँ। माँ? हाँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं। आप मुझे मेरी माँ के दर्शन करा सकते हैं? देखो मेरे नेत्रों में। ऐसा मत कीजिए हनुमान। बुद्धगी मत सुनो हनुमान, मेरे नेत्रों में देखो, गहराई तक झांको। मेरे नेत्रों में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखाई देगी। हनुमान, मत झांकिए उसकी नेत्रों में। हनुमान, अब मैं जो कह रहा हूँ वही सुनाई देगा तुम्हारे कानों को। सुनो, मात्र सुनो मुझे, तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है? देखो ऐरावत है वहाँ, अब तुम्हें माँ भी दिखाई देंगी। देखो तुम्हारी माँ है वहीं कहीं, ढूंढो उन्हें, ढूंढो हनुमान, ढूंढो। राक्षस मयाक्ष ने चतुराई से हनुमान को सम्मोहित कर लिया, अब कैसे मुक्त करा पाएंगे हनुमान ग्रहों को? माता के प्रेम ने फंसा ही लिया बालक को। अब देख पाओगे तुम माँ को, देखो हुए उनके दर्शन। ये तो अनर्थ हो गया, इस राक्षस ने हनुमान को अपने उद्देश्य से भटका ही दिया। हनुमान को तो इतने वरदान मिले हुए हैं, फिर भी वो माया के बंधनों में कैसे बन गए द्वारकाधीश?
मातृ प्रेम, अपनी माता के लिए प्रेम की वो पवित्र भावना जिसे किसी भी माया या मोह की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए हनुमान भी इस मातृ प्रेम के सम्मोहन में बंध गए। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है, किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम उसकी दुर्बलता बन जाती है और इस दुर्बलता का लाभ उठाकर शत्रु उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। मयाक्ष, लंकेश ने संदेश भिजवाया है, ये वानर बालक पूर्णिमा तक यहां से कहीं और ना जा पाए, जिससे कि महाप्रलय टालने का कोई अवसर ही ना बच पाए। किंतु एक बात ध्यान रहे, ये उनका संदेश ही नहीं, चेतावनी भी है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो तुम, अब तो यहां से ये हिल भी नहीं सकता। इस पूर्णिमा तो क्या, अगली पूर्णिमा तक भी ये यहीं खड़ा रहेगा। क्या करूं मैं, पूर्णिमा तो निकट है, हनुमान को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया है इस मायाक्ष ने, अब तो हम ग्रहों की मुक्ति हो ही नहीं पाएगी और प्रलय मच जाएगी। पहले यही प्रलय की आंधियां बड़ी अच्छी लगती थी, किंतु अब ये तनिक भी नहीं सुहाती। हनुमान, तुम शीघ्र इन्हें ठीक करके लौट आओ। अंजना, 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 क्या बात है अंजना, व्याकुल दिखाई दे रही हो। नहीं, वो हनुमान की चिंता हो रही है, अभी भी बालक है वो, कहीं कोई उसे उलझा ना ले। हनुमान की चिंता तो मुझे भी हो रही है, यदि मेरा वश चलता चला जाता उसके साथ। किंतु आपके वश में जो है वो तो आप कर ही सकते हैं केसरी जी। मैं अवश्य करूंगा माँ, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं यहां से। पुत्र केसरी, अंजना, हनुमान और नवग्रहों को हमारी प्रार्थना की शक्ति तो हम दे ही सकते हैं, क्यों ना तुम और केसरी जी मिलकर उन्हें प्रबल करने के लिए। आपने उत्तम उपाय सुझाया है। मैं कैसे यज्ञ में बैठ सकती हूँ केसरी जी के साथ, यह अधिकार तो पत्नी का होता है। तुम्हें क्या हुआ पुत्री, तुम अभी भी खिन्न दिखाई दे रही हो। अब नहीं, वो मैं यज्ञ में कैसे बैठ। ओहो, ये मैंने क्या बोल दिया, अब क्या करूं मैं। क्यों, तुम यज्ञ में क्यों नहीं बैठ सकती हो, पति पत्नी ही तो बैठते हैं यज्ञ में। अंजना, कोई दुविधा है तो बताओ, यज्ञ की शक्ति से देवताओं, ग्रहों, यहाँ तक कि प्रकृति को भी शक्ति मिलती है। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु सुमेरु पर बार बार राक्षसों के आक्रमण हो रहे हैं, यदि हम दोनों यज्ञ में बैठ गए तो सुमेरु की रक्षा कौन कर पाएगा। हाँ, ऐसी आपदा में हम उन्हें असुरक्षित कैसे छोड़ सकते हैं। मेरे हनुमान की सुरक्षा और ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ भी तो आवश्यक है, न जाने कैसी कैसी विपदाओं का सामना कर रहा होगा हमारा हनुमान। Oh.
माँ। ग्रहों को बंधन से मुक्त करने गए हनुमान तो स्वयं ही सम्मोहन के बंधन में बंध गए हैं। अब प्रलय से जगत को कौन बचाएगा? स्कंद माता तुम्हें विमोहन शक्ति का वरदान देती हूँ। अब से तुम्हें कोई भी सम्मोहन शक्ति में नहीं डाल पाएगा। प्रणाम। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। प्रणाम। इस प्रकार खड़े हैं, सम्मोहन से तो वो मुक्त हो गए थे। कुछ तो विशेष है इसके पीछे। सम्मोहन, अब आप मेरे नेत्रों में देखिए। हनुमान, कितने सुंदर नेत्र हैं आपके। अब आप मेरे मुख को देखिए। अति सुंदर, कितनी मधुर मुस्कान है आपकी। भोला सा मुखड़ा है, भोले शंकर की तरह। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान, मुझे क्षमा करें। क्या कर रहे हैं? उठिए। आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने मुझे मेरी माँ के दर्शन कराए हैं। मैं तो आभारी हूँ आपका। हनुमान, मेरे प्रभु। जय भोलेनाथ। जय हो प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम बुद्धदेव। प्रणाम हनुमान जी। आपने तो मुझे ही नहीं, मयाक्ष को भी मुक्त करा दिया हनुमान। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव, इनकी स्थिति पूर्ववत करने जाता हूँ। किंतु पुत्र हनुमान, आपको यह कार्य पूर्णिमा के पूर्व ही संपन्न करना होगा, अन्यथा महाप्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। रावण के दूत ने मयाक्ष को ऐसी ही सूचना दी थी, जबकि पूर्णिमा निकट ही है। आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करता हूँ बुद्धदेव। आज्ञा दें।
प्रणाम विजय भव। इतने कम समय में चारों ग्रहों की मुक्ति असंभव प्रतीत होती है। यदि कोई अन्य बाधा आ गई तो संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। और रावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। इनमें से सत्य मंगल देव कौन है? मैं किन्हें मुक्त करूं? किनके पास जाऊं? ये तो बड़े ही विचित्र पहेली है। इतने सारे मंगल देव, कौन सच्चा है? किन्हें मुक्त करूं? किसके पास जाऊं? मैं हूं किंकर। किंकर का चक्कर महाभयंकर बालक। इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे। पहचानो इनमें कौन है असली मंगल। पहचानो। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं, मैं हूं मंगलदेव, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं पुत्र, मुझे मुक्त करो। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं, मुझे मुक्ति दिलाओ। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। नहीं पुत्र, मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त कराओ पुत्र, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। किंकर का चक्कर महाभयंकर। इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे इस पूर्णिमा तक। अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। मंत्री जी, आप फलों की व्यवस्था करवाइए। जी पुरोहित जी। ये लीजिए पुरोहित जी। ये नवग्रह क्या होते हैं? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो नल। ऊपर दूर अंतरिक्ष में नवग्रह होते हैं। ये यज्ञ उन्हीं ग्रहों के लिए होता है। अच्छा। किंतु वो तो बहुत दूर होते हैं। उन नवग्रह के हिलने से इस प्रलय का क्या संबंध हो सकता है? मैं बताता हूं बालकों। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सात दिनों के नाम से सात ग्रह हैं। इनमें ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को भी मिला दिया। ये नौ ग्रह अंतरिक्ष मंडल में स्थित हैं। इनकी हर हलचल का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर चलते हैं। यदि किसी कारणवश ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रलय की स्थिति भी बन जाती है। हनुमान, तुम इन्हें मुक्त कराने आए हो, ये तुम्हें जीवन से मुक्त कर देंगे। मंगलदेव, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो हनुमान पर। हा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 
आक्रमण करो। मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ जानते हो? आक्रमण करो, अन्यथा लंकेश की शक्ति को तुम भली भांति जानते हो। करो आक्रमण। किंकर का चक्कर महाभयंकर। प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है नित्य हनुमान पर। कैसे बचाएगा हनुमान स्वयं को? प्रतिघात करना चाहते हो तो सोच लो, यदि तुम्हारे प्रतिघात से वास्तविक मंगल का अंत हो गया तो। सत्य कह रहा है ये मंगल देव तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। किस पर प्रहार करूं, किसे छोड़ दूं? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? किंतु यक्ष के प्रलय को रोक पाएंगे? पुत्र, यज्ञ में दी गई आहुतियों से ही देवताओं और ग्रहों को बल मिलता है। यज्ञ में तो स्वयं केसरी जी और अंजना को बैठना चाहिए। माता पिता यदि स्वयं यज्ञ करें तभी यज्ञ का लाभ मिल पाएगा पुत्र को। मैं पुनः समझाती हूँ अंजना को। ये तो अतिबल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आओ नानी आओ, बड़े ही उचित समय पर आई हो। यही अवसर है अंजना का भेद खोलने का। बल बला बल बल। अतिबल अंजना के कमरे में क्या करने जा रहा है? Thank you.
अतिबल, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया? ओहो मार्जरिका, मैं तुम्हें यहाँ शत्रुओं के बीच कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो चलो मेरे साथ लंका चलो, अन्यथा लंकेश मुझे दंडित करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। लंकेश से पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो अतिबल, अब यहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं है। मार्गारिका, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ आई थी लंकेश के कहने पर अंजना बनकर। आखिर मार्गारिका का भेद भूल ही गया बलबला बलबल। ये तो राक्षसी है, मेरी अंजना कहाँ है? मुझे शीघ्र जाकर किसी जी को बताना होगा। ये तो अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? ये तुम्हारी चाल थी? मुझे छोड़ो, पकड़ो उस नानी को, अंत कर दो उसका, अन्यथा वो तुम्हारा अंत कर देगी। क्यों हनुमान, रुक क्यों गए? करो पलटवार, करो प्रहार करो मंगलदेव पर, समाप्त करो सबको। किंकर का चक्कर महाभयंकर। उलझे रहो हनुमान, उलझे रहो। कैसी ये उलझन है, क्या करूं मैं? लगता है पूर्णिमा तक हनुमान इस किंकर के चक्कर में ही उलझा रह जाएगा। कह रहे हो मेरे बंदी मंगल देवो, आखिर बन करो। करो आक्रमण। क्या करूं, कौन है असली मंगलदेव? माँ कात्यायनी का वरदान। कभी भी किसी भ्रम में पड़ जाओ तो मुझे स्मरण करना। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। करो आक्रमण। Yeah.
सीधे मुझ पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। पिताश्री भी गदा युद्ध अभ्यास में बचा बचा कर प्रहार करते हैं। कहीं ये मंगलदेव तो नहीं? कहीं ये सत्य में मंगलदेव तो नहीं? तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो मैं कर देता हूं इस नानी का अंत। मंगलवार को जन्मे मंगल मूर्ति हनुमान, मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। अब शीघ्र ही जाकर अन्य ग्रहों की दिशा भी ठीक कीजिए। पूर्णिमा से पहले अगर सभी ग्रहों की दिशा ठीक ना हुई तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आज्ञा दे मंगलदेव। प्रणाम। ध्यान रहे पुत्र। आसुरी शक्तियां बाधाएं डालेंगी, तुम्हें भटकाएंगी, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। अब यहां से सीधे जाकर शनि देव को मुक्त कराओ। तुम्हारी विजय हो पुत्र। लगता है प्रलय हो ही जाएगी।
मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। न जाने ग्रहों की स्थिति अब ठीक हो भी पाएगी या नहीं। प्रणाम देवराज। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम महारानी। क्या स्थिति है ग्रह मंडल की? देवराज, कोई भी देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भांति सब विवश है, किंतु छोटा सा वानर बालक अंजनेय हनुमान सब देवों से बढ़कर महादेव के समान कार्य कर रहे हैं। हम ग्रहों को मुक्ति दिला रहे हैं। हाँ चंद्रदेव, हनुमान के तो हम सदा आभारी रहेंगे, किंतु अब वो शनि देव को मुक्त कराने के लिए शनि लोग गए हैं और वहां शनि देव के विपरीत प्रभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं। शनि लोक, वहां तो सबकी गति अवरुद्ध हो जाती है, बुद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण हनुमान कैसे अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा वहां? गति अपने आप कम कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मैं गति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु गति और कम हो रही है। मेरी ऐसी ही गति रही तो पूर्णिमा के पूर्ण सबको मुक्ति दिलाना असंभव हो जाएगा। लंकेश रावण की भेजी हुई राक्षसी हूँ, यही मेरी सच्चाई है। माँ माँ मत कहो मुझे, मेरी अंजना कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने अंजना का कोई अहित नहीं किया है, मुझे तो लंकेश ने हनुमान का अहित करने के लिए भेजा था। हनुमान ने मुझे माँ बोलकर मेरा हृदय बदल दिया। आपकी पुत्री अंजना स्वर्ग में है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैंने हनुमान को वचन दिया है कि जब तक वो सभी ग्रहों की स्थिति सुधार कर अपनी माँ अंजना को लेकर वापस नहीं लौटता, तब तक मैं सुमेरु में रहकर सबकी देखभाल करूंगी। यदि मैं चली जाती तो आप सब विचलित हो जाते कि महारानी अंजना कहाँ गई। ना आप यज्ञ कर पाती और ना ही कोई और कार्य। तुम तो मायावी राक्षस हो, मैं तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करूं? जो सत्य था मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इस भेद को भेद ही रहने दें, या फिर मेरी सच्चाई बताकर सबको विचलित कर दें। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मैं भुगतूंगी। Padam 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 pad
लगता है मैं अधर में ही तैर रहा हूँ। सुनो हनुमान, ध्यान से सुनो। शनि लोक में सबकी गति और मति दोनों मंद पड़ जाती हैं। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी वरदानी शक्तियां यहां काम नहीं आएंगी हनुमान। प्रसन्न मत हो शनिदेव, ये वानर यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। शिथिल कर दो इसे। मुझ पाषाणासुर का आदेश लंकेश का आदेश है। तुम्हारी टेढ़ी दृष्टि जगत में कुख्यात है अपने दुष्प्रभाव के लिए। इस वानर पर अपनी शनि दशा का प्रभाव डालो। सोच विचार मत करो शनि देव, मेरे आदेश का पालन करो। दशा बिगाड़ दो इस वानर की। प्रभु, शनि देव की टेढ़ी दृष्टि से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। फिर रावण और उसकी लंका कैसे बचे रहे? शनिदेव क्यों सहज ही लंकेश के बंधन में बंध गए? प्रिय, रावण ब्रह्मदेव और महादेव के वरदानों से रक्षित है, जिनके अनुसार उसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता। समस्त ग्रहों के अधिष्ठाता भी देवता है, इसीलिए उन वरदानों का सम्मान रखते हुए शनि देव सहित सभी ग्रहों को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब भाग्य की विडंबना देखिए। अपनी शनि दशा के प्रभाव से सबकी परीक्षा लेने वाले शनि देव को अब स्वयं भी अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। शनिदेव, जो मैंने कहा है वो करो। नहीं, रावण के कहने पर मैंने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली, किंतु हनुमान पर अपनी शनि की दशा का प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि ये प्रभाव एक बार पड़ गया तो फिर मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। शनिदेव, तुम मात्र मेरे आदेश का पालन करो, अपना प्रभाव डालो। शनिदेव को समझ नहीं पाया है ये राक्षस, इसे बताना ही पड़ेगा शनिदेव क्या है। शनि दशा का प्रभाव डालना है ना, लो ये है शनि दशा का प्रभाव। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च द्विभुजः स्यात् सदा रविः। श्वेतः श्वेताम्बरधरः श्वेताश्वः श्वेतवाहनः गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वर्धः शशी। रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः चतुर्भुजः रक्तरोमावर्धः स्यात् धरासुतः। पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकारसमद्युतिः खड्गचर्मगदापाणिः सिंहस्तो वर्दो बुधः। देवानां गुरुः तदतपीतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। दैत्यानां गुरुः तदश्वेतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। मैं क्या करूं? इस राक्षसी पर विश्वास करूं या केसरी जी को सब बता दूं? यदि उन्हें पता चल गया तो? हे प्रभु,
हनुमान को अपने कार्य में शीघ्र सफलता दीजिए, जिससे वो ग्रहों को मुक्त करा के शीघ्र लौट आए। न जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे, हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा। ना जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे, हनुमान भी ना जाने अभी कहाँ होगा। हम तो अप्सरा धर्म का पालन करते हुए नाच नाच के क्लांत हो जाती हैं, और ये सुमेरु की भूतपूर्व महारानी ये यहाँ भी स्वयं को महारानी ही समझकर बैठी हुई है। इससे तो मैं अप्सरा धर्म का पालन करवा कर ही रहूंगी। बस एक बार ये स्वर्ग लोक के नूपुर पहन ले, फिर तो इसके पांव स्वयं ही थिरक उठेंगे। अब या तो बल से या छल से। ये नूपुर तो मैं इसे पहना कर ही रहूंगी। महारानी सची आ रही है। अंजना, प्रणाम देवी सचे। हनुमान का कोई समाचार आया? हनुमान ने कई ग्रहों को मुक्त करा दिया है, और अब तो देवराज भी ये समझ गए हैं कि संसार पर आए महासंकट का मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। परंतु क्या देवी सचे? परंतु अंजना, शनिदेव को मुक्त कराने गया हनुमान शनि लोक की प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया है। क्या शनिदेव का प्रभाव तो भयंकर है, मेरा पुत्र उनके प्रभाव का सामना कैसे कर पाए? ईश्वर सब ठीक करेगा अंजना, उन पर भरोसा रखो। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा। ये क्या, मेरा कंठ काष्ठ इतना भारी कैसे हो गया? इतना भारी कैसे हो गया? मैं इसको वानर तक फेंक भी नहीं पाया। शनिदेव, ये क्या हो रहा है? यही है शनि की दशा का प्रभाव पाषाणासुर। तो
तुमने मुझ पर शनि दशा का प्रभाव डाला, वापस लो इसे। नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मेरे प्रभाव से पहले देह में शिथिलता आएगी, फिर सोचने समझने की शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, प्रतिक्रिया की शक्ति नष्ट हो जाएगी। भूल गए मुझे त्रिदेव, मैं विनती करता हूँ अपना प्रभाव वापस ले लो। मैं विवश हूँ, शनि दशा का प्रभाव मैं स्वयं तो क्या कोई नहीं हटा सकता, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा पाषाणासुर। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, पाषाणासुर हूं मैं। ये बाढ़ तो भयानक रूप धारण करती जा रही है। न जाने क्या होने वाला है, यदि भवन के भीतर जला गया तो? रक्षा करो प्रभु, हे महादेव, इस प्रलय को रोकिए। आप लोग शांत हो जाएं। पूजा और हवन आरंभ रखें। पूजा और भक्ति में बहुत शक्ति है, इस भक्ति की शक्ति से ही हनुमान और ग्रहों को बल प्राप्त होगा। देव को बंदी बनाने वाले असुर, तुझे तो सीख देनी ही पड़ेगी। अब इसका एक ही हल है, जहां शक्ति कार्य ना करे वह युक्ति का सहारा लेना पड़ता है। शबा। ये क्या? तुम तो बड़े ही विचित्र राक्षस हो, फिर भी रो रहे हो। क्या हुआ? हाँ बालक नहीं है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मैं तो केसरी नंदन अंजना पुत्र हनुमान हूँ, सुमेरु से आया हूँ। स्वाहा, अब यज्ञ संपन्न हो गया है। इस यज्ञ की आहुतियां सीधे ग्रहों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें बल अवश्य प्राप्त होगा। तुम तो माँ बली हो, मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। ये तो हनुमान को अपनी बातों में उलझा रहा है। शनिदेव के प्रभाव से मेरी आंखें खुल गई। मैं जान गया हूँ कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, परंतु मैं आपका सेवक बनकर अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। हनुमान, ये तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर समय नष्ट कर रहा है। माता नवदुर्गा के आशीर्वाद का स्मरण करो और अंत कर दो इसका। जय मां काल रात्रि।
नारायण नारायण, व्रज की देह लौकी शक्ति, पाषाणासुर धूल की भांति चून हो जाएगी तुम्हारी पाषाण की देह। अब शनि देव की मुक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। नारायण नारायण। परंतु आप इतने बड़े महाबली हैं, मैं आपके चरण छूकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है। लोगों के हाथ से वार करेगा मुझ पर? एक बार पूछ पकड़ में आ गई ना वानर, ऐसा फेंकूंगा अंतरिक्ष में, सारे देवता भी मिलकर ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे। नारायण नारायण, बहुत चतुर समझ रहा है पाषाणासुर स्वयं को। उसे नहीं पता कि वो तो स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। मैं कैसे फिरकी बनाकर तुझसे खेलता हूँ? समय कम है और तुम खेलना चाहते हो? शनिदेव, अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। शनिदेव, आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? हनुमान, मैं भी तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। मेरी दृष्टि का कुप्रभाव तुम पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकता। अभी तुम शीघ्र जाकर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य कर। पूर्णिमा निकट ही है। मैं अब शीघ्र ही जाता हूँ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव को मुक्त कराने। आज्ञा दें, प्रणाम। शीघ्र देखकर बताइए अश्वसुर जी, ग्रहों की स्थिति क्या है? इतना विलंब क्यों हो रहा है? ग्रह सूचक यंत्र तो बता रहा है दशाना, शनि भी मुक्त हो चुका है हमारे बंधन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वानर बालक हनुमान, अब तेरा अंत करने के लिए स्वयं रावण आएगा। अपनी अंतिम घड़ियां गिनना आरंभ कर ले। परंतु दशानंद, राजमाता कैक्सी और योगिनी के बताए अनुसार युद्ध के लिए अभी उचित मुहूर्त नहीं आया है। बलवान मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करता श्वसुर जी, मुहूर्त बलवान की प्रतीक्षा करता है। और अब उस वानर बालक की
मृत्यु का मुहूर्त हम बनाएंगे। रावण है हम। वानर, अब तुम्हारा काल बनकर आ रहा है। रावण। जय निकुम्भला देवी। देव गुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है, यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। देव गुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है, यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। एक तरफ आपका अंश खड़ा है तो दूसरी तरफ आपका परम भक्त रावण। ये कैसी विटंबना है, कैसा युद्ध है ये, और क्या होगा इसका परिणाम स्वामी? आश्चर्य है, इस छोटे से बालक ने वृक्षासुर और चक्रासुर को मारा, सूर्य को निगल लिया, पंचफन को परास्त किया, लावा पी गया।
कितनी भी वरदानी शक्तियों के स्वामी हो तुम वानर, किंतु मेरा ये सुरक्षा कवच अभेद है। नर और वानर के लिए इसके रहते मेरा अहित कोई नहीं कर सकता। ओहो, अब आप बताइए ना आप कौन हैं? मुझे क्यों रोक रहे थे आप? शीघ्र बताइए, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप वैसे तो किसी ग्रह के देवता लगते नहीं, किंतु माथे पर चंदन का त्रिपुंड टीका, इससे तो लगता है आप शिव जी के भक्त हैं, है ना? मैं भी शिव जी की पूजा करता हूँ। मैं शिव जी का सबसे बड़ा, सबसे महान भक्त हूँ। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं मैंने, सुना है तुम्हें भी देवताओं ने अनेकों वरदान दिए हैं, और मृत्यु के पश्चात भी तुम जीवित हो उठे। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, किंतु अपने बारे में भी तो बताइए। क्या नाम है आपका? यहाँ आप अंतरिक्ष में क्यों आए हैं? कदाचित आपको ज्ञात नहीं है, किसी दुष्ट राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने समस्त ग्रहों की स्थिति बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखे, मैं ग्रहों को मुक्त करा रहा हूँ। अब मात्र दो ग्रह हैं शेष मुक्त कराने के लिए। आप अपना नाम भले ही ना बताइए, तो यदि आप मेरी सहायता करने आए हैं तो समय व्यर्थ मत कीजिए, शीघ्र चलिए ग्रहों को मुक्त कराने। ओहो, आप विलंब कर रहे हैं। यदि आप नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप शिव जी के भक्त हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। आशीर्वाद चाहिए? ये ले आशीर्वाद। हे शिव जी के भक्त, आपने तो बड़ा ही प्रभावशाली आशीर्वाद दिया है, अब तो मेरी सफलता ही होगी। अब मैं जा रहा हूँ सारे ग्रहों को मुक्त कराने। अब क्या हुआ? मूर्ख वानर, पहले ग्रहों के साथ मुझ महाकाल से तो भेंट कर ले, जिसने ग्रहों की ये दुर्दशा की है। लंकेश रावण हूं, मैंने ही प्रलय की विनाश लीला आरंभ की है।
और प्रलय आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा इसे, क्योंकि रावण जो एक बार कहता है वो सृष्टि को करना ही पड़ता है। अब इस संसार को तुम तो क्या कोई भी प्रलय से नहीं बचा पाएगा। संसार का अंत, सबका अंत तुम्हारा भी अंत होगा वानर। अरे रावण जी, संसार ने क्या अहित किया है आपका जो आप सबका अंत करने चले हैं? इसी संसार में कहीं छुपा बैठा है वो नर रूप में नारायण, उसी के नाश के लिए हो रही है ये विनाश लीला। मैं ग्रहों की स्थिति सुधार दूंगा, किसी का भी अंत नहीं होने दूंगा। इस संसार से पहले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा वानर। का प्रयास मत कीजिए आप मूर्ख वानर। रावण है हम, रावण जहाँ हम जाता है वहाँ थम जाते हैं सारे रास्ते, थम जाता है सबकी नसों में बहता हुआ रक्त। समझे, शिव जी के छोटे से भक्त। ओह रावण जी, मुझे विलंब हो रहा है, मैं इधर से निकल जाता हूँ। अल्प बुद्धि वानर, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि हम तुम्हें ही रोकने यहाँ आए हैं। ओहो, सखा, ये रावण जी ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारा रक्षा कवच, तुम्हें प्रेरणा और संस्कार देने वाली तुम्हारी माँ अंजना, मैं नहीं षड्यंत्र रच के उन्हें तुमसे दूर स्वर्ग पहुंचा दिया। अब क्या करोगे बोलो तुच्छ वानर बालक? ना तो तुम अपनी मां जिना को बचा पाओगे, ना अपने प्रिय सुमेरु को। महाप्रलय भी निकट है, क्या करोगे तुच्छ वानर बालक हनुमान? महाराज, महाराज, समाचार मिला है कि लंका के राजा रावण के आदेश पर पृथ्वी पर सैकड़ों राक्षस फैल गए हैं और प्रलय के बाद जो राज्य बच गए हैं वहाँ मार काट मचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि सुमेरु पर भी राक्षसों का आक्रमण हो सकता है। मंत्री जी, सभी सैनिकों से कहिए कि अपने अस्त्र शस्त्र से सज्जित रहें और चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दें। जी महाराज। जाइए। अंजना, सुमेरु में बार बार राक्षसों को पराजय का सामना करना पड़ रहा है, इस बार वो अधिक शक्ति से प्रहार करेंगे, जिसके लिए मुझे हनुमान की वो दिव्य गदा चाहिए जो मैंने उसे उपहार में दी थी। मुझे वो गदा ला दो। अब क्या करूं, मुझे तो हनुमान ने किसी दिव्य गदा के बारे में बताया ही नहीं।
क्या सोच रही हो अंजना? मुझे वो गधा ला कर दो। गधा? लाती हूँ। अब मैं कहाँ से लाऊं दिव्य गधा? न जाने कहाँ रखी होगी। अवश्य ही नानी ने सब बता दिया है केसरी को। अब क्या करूं मैं? केसरी अवश्य ही मेरा वध कर देंगे। हनुमान यहाँ होता तो वो ही मुझे बचा सकता था, किंतु अभी तो हनुमान भी न जाने किन आपदाओं में उलझा होगा। उसके समक्ष तो न जाने कितने बड़े बड़े संकट मुंह बाए खड़े होंगे। माँ कभी मुझसे दूर नहीं हुई है और आज भी वो मेरे साथ ही है। मेरे हृदय में उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस प्रलय को रोकूंगा। मेरे मार्ग को कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं रावण। अब मैं तुझे दिखाऊंगा भुज बल क्या होता है। अब ना ही देवताओं के वरदान काम आएंगे, ना ही तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हें बचा पाएगा, और ना ही किसी अन्य ग्रह को तुम मुक्त करा पाओगे, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारी मुक्ति होना असंभव है। रावण है हम। अब ये क्या करने वाले हैं? तुझ वानर, देखा रावण का बल? बल से रावण ने कैलाश पर्वत को तखिला दिया था, और अब इसी बल से रावण तुझे भी मसल कर रख देगा हनुमान। अब तेरा क्या होगा हनुमान? देवताओं के वरदान भी अब तेरे कुछ काम नहीं आएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, परंतु यहां से बचकर नहीं जा पाएगा वानर बालक। अब तुम ग्रह को ठीक नहीं कर पाओगे वानर, प्रलय होगी और उसी के साथ सब कुछ
समाप्त हो जाएगा, नर और वानर का भी अंत हो जाएगा, सारे संसार का अंत हो जाएगा। किंतु रावण जी, संसार ने तो आपका कोई अहित नहीं किया है। इसी संसार में नर अवतार धारण करके छुप कर पल रहा है वो छलिया विष्णु। आहा, उस धूर्त विष्णु का नाम सुनकर तुझे क्रोध आ रहा है। अवश्य ही तेरा उस विष्णु के साथ कोई संबंध है। तेरा तो क्रोध और अधिक होता जा रहा है उस पाखंडी विष्णु का नाम सुनकर। तेरा तो क्रोध और बढ़ गया हाँ? उस छलिया विष्णु का नाम सुनकर। अरे ओ, मैं तो भयभीत हो गया तेरा क्रोध देखकर हनुमान। माया भी है तेरा विष्णु, कपटी है तेरा विष्णु, छुप कर मार करने वाला कायर है तेरा विष्णु। स्वयं को भगवान कहने वाला ढोंगी है तेरा विष्णु। झूठा घमंडी रू है तेरा विष्णु। कैसा क्रोध आ रहा है तुझे हनुमान, सुन, प्रलय में उस दुराचारी विष्णु के नर अवतार का भी अंत हो जाएगा। बस रावण, अपनी माया से रावण को भयभीत करना चाहता है। अब रावण की शक्ति देख, रावण है हम। हनुमान का रोज सुनो। हाँ प्रिय, सर्वशक्तिमान देवताओं में सर्वोच्च शक्ति है हनुमान, सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान का ये 11 मुख वाला पूर्ण रुद्र रूप ही उनके ब्रह्म रूप होने का प्रमाण है, जिनमें महादेव शिव की महाशक्तियां निहित हैं। तो विष्णु देव के नरसिंह वरा के साथ कल्पांतर से श्री राम और मेरी शक्तियां भी समाई हैं। हनुमान भक्त श्रेष्ठ हैं, तो सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म भी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। उन्हें
बाधित करने की इच्छा से ही आया है रावण। वानर रावण को चुनौती देता है। मेरी गदा का प्रहार आपकी गदा नहीं संभाल पाएगी रावण। इन दोनों महाशक्तियों के टकराव से तो महाविनाश होने की आशंका दिखाई दे रही है। क्या हुआ दशानंद की कुंडली पढ़कर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आज का दिन रावण पर बहुत भारी है कैक्सी। उसकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है आज। अनर्थ अवश्य हुआ है। ये तो दशानंद की गदा की ध्वनि थी स्वामी। उसका उस वानर बालक से युद्ध हो रहा होगा जिसने कुंभकर्ण को यहां गिराया था। मृत्यु योग का संकट मंडरा रहा है इसके सिर पर। नारायण के स्थान पर यदि इस वानर ने रावण का वध कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है मुझे वहां जाना होगा। आप किस सोच में डूब गए हैं स्वामी? रावण संकट में है कैक्सी। तुमने उसे वहां जाने से रोका क्यों नहीं? मैंने उसे बताया था अभी समय अनुकूल नहीं है, फिर भी वो चला गया। किंतु उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सिद्ध किया हुआ सुरक्षा कवच पहना है, उसे कुछ नहीं होगा स्वामी। क्या कह रही हैं अंजना? ग्रहों की शांति के लिए तो हमने यज्ञ करवा दिया, किंतु हनुमान की कुशलता के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कीर्तन करने के लिए कह रही हैं मां, कीर्तन करने के लिए कह रही है माँ। इसका अर्थ है कि नानी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। इसका अर्थ है कि नानी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। कीर्तन करना होगा हमें हनुमान की कुशलता के लिए। कौन सी विपदा का सामना कर रहा होगा? न जाने कौन सी विपदा का सामना कर रहा होगा हमारा पुत्र। अच्छा मैं लेकर आता हूँ हनुमान की वो अद्भुत गदा। मैं लेकर आता हूँ हनुमान की कीर्तन की व्यवस्था करवा। तो माँ के साथ कीर्तन की व्यवस्था करवाओ। बलबला बलबल, बलबला बलबल, बलबला बलबल। नानी भी इसका साथ दे रही है। तो अब नानी भी जो मैं करूंगा दे रही है। किंतु अब जो मैं करूंगा मांत्रिक का नहीं बच पाओगे तुम।
व्याकुल हो रहा। लगता है मेरा पुत्र हनुमान संकट में। हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कर। बल बला बल बल। तुमने फिर से यहाँ आने का दुस्साहस किया। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। मृत्यु? मृत्यु तो निश्चित है, किंतु मेरी नहीं, सुमेरु की महारानी की, और वो भी सुमेरु के महाराज के हाथों। बल बला बल 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 बला बल बल। बल बला बल 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 बला बल बल। तुमने लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन तो कर दिया, किंतु राजमाता केकटी का ये चमत्कारी जल तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगा। बल मार्जरीका। अब तुम मात्र मार्जरीका हो, एक पहर तक तुम अंजना नहीं बन पाओगी। बल बला बल 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 बला बल बल। अब मैं केसरी को यहां बुलाऊंगा। ये रही वो दिव्य गदा। बल बला बल बल। अति बल। बल बला बल बल। अति बल। ये ध्वनि कैसी? ये तो अंजना के कक्ष से आ रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अंत कर दूंगी तेरा। मेरी छोड़ो मार्जरीका, अपनी सोचो। वो देखो, वो केसरी आ रहा है तुम्हारा अंत करने। बल बला बल बल। अब तो तुम सुमेरु से भी गई और लंका से भी। बल बला बल बल। मृत्यु से भय नहीं लगता अतिबल, उससे अधिक दंड और दे भी क्या सकते हैं मुझे केसरी जी। दुख तो इस बात का है कि माँ का सम्मान देने वाले हनुमान को दिया वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। पुत्र, माँ, अंजना के कक्ष से ये ध्वनि कैसी? वो भूकंप से कोई सामान गिरा होगा। आप वो सब छोड़िए, शीघ्र चलकर कीर्तन की घोषणा करें। किंतु अब चलिए। मुझे तो मां ने बचा लिया, पर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये दुष्ट तो फिर बच गया, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तो मुझे एक पहर तक सबकी दृष्टि से बचना होगा, जब तक इस चमत्कारी जल का प्रभाव समाप्त ना हो जाए। किसी तरह हनुमान के आने तक सब संभला रहे। आज तो स्वतः ही मेरा भेद खुल जाता, फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया? एक तो तुम्हारे कर्म जो तुम हम सबके हित में कर रही, दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती
तुम्हारा वेद खुलने से महाराज केसरी को इस संकट की घड़ी में किसी प्रकार का धक्का लगे और सुमेरु की सुरक्षा से उनका ध्यान भटके, इसलिए हनुमान ने भी मुझे अंजना बनकर यही रहने के लिए कहा था। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। बलबला बलबल, बलबला बलबल, अब तक बचाएगी ये तुम्हें, अब तो तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा बलबला बलबल। क्योंकि केसरी को फंसा दिया है मैंने, बलबला बलबल। आतिबल, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई उनका हित नहीं कर सकता है। अच्छा। तो सुनो सुनो अपने भाई बंधुओं के हंसने की ध्वनि। दीपल, तुम्हें तो मैं बाद में दिख लूंगी। मेरा पानाघात्र तो विफल हो गया, तो चौहानर मेरी देह को तो छू भी नहीं सकते तेरे ये अस्त्र शस्त्र। तेरे सारे वार तो संसार के लिए ही अनर्थकारी बन गए हैं, देख ले अपने नेत्रों से। केसरी, हम राक्षसों से बचना आज तुम्हारे लिए संभव नहीं है। केसरी, अब ना तुम स्वयं को बचा पाओगे ना ही सुमेरु को। ये तुम लोगों का भ्रम है राक्षस हो, तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो राक्षसों के साथ राक्षसी भी आई है इस बार। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। दिखाता हूं तुम्हें केसरी का बल। राक्षसी होकर राक्षसों के विरुद्ध लड़ रही हो, लंकेश तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं। मुझ पे और सुमेरु पर आक्रमण करने आए थे तुम लोग।
केसरी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ माँ। आप कौन हैं जो राक्षसी होने के बाद भी मेरी सहायता की? ये कहीं केसरी के सामने भेद न खोल दे। रुक क्यों गया हनुमान? कोई और अस्त्र शस्त्र, कोई और शक्ति चला कर देख लो, देखो ना। तुच्छ वानर बालक हनुमान, तेरे तो दिव्य तीर भी मेरे सामने व्यर्थ हो गए। देख कैसे मचा रहे हैं प्रलय पूरी सृष्टि में। ये प्रकाश पुंज कैसा है? नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या करने लगे हनुमान? रावण का वध तो प्रभु नारायण के नर अवतार द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि रावण के साथ ही सहस्त्रों असुरों का वध होना है, तभी तो पृथ्वी का भार उतरेगा। कहीं रुद्र रूप में हनुमान अभी ही रावण का वध करके अनर्थ ना कर बैठे। नारायण नारायण। यदि विष्णु देव के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो यह अपमान होगा उनका। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।